नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और अब वक्त हो गया है खेल जगत से जुड़ी इस वक्त की 20 बड़ी खबरों को देखने का। आइए देखते हैं स्पोर्ट्स 20। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के बीच होगा मुकाबला। पुणे में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मैच। पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर है इंग्लैंड। चैंपियंस ट्रॉफी में जगह बनाने के लिए आज की जीत जरूरी। अफगानिस्तान को हराकर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। ग्लेन मैक्सवेल की धुआंधार पारी ने पलटी बाजी। 3 विकेट से दर्ज की जीत। ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार दोहरा शतक लगाया। 128 बॉल में नाबाद 201 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस के बीच 8वें विकेट के लिए हुई सबसे बड़ी साझेदारी। दोनों के बीच 202 रनों की पार्टनरशिप हुई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वनडे में डबल 100 बनाने वाले मैक्सवेल पहले बल्लेबाज बने। दोहरा शतक लगाने वाले पहले नॉन ओपनर भी बने। चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का मैक्सवेल ने बनाया रिकॉर्ड। पाकिस्तान के फखर जमा को पीछे छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी ने कहा, कैच ड्रॉप करना टीम को पड़ा भारी। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 291 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 47वें ओवर में दर्ज की जीत। 292 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। 91 रन पर 7 विकेट गंवाए। अफगानिस्तान के लिए नवीन उल हक ने 2 विकेट लिए। अजमतुल्लाह, उमर जई और राशिद खान ने भी 2-2 विकेट चटके। इब्राहिम जादरान ने विश्व कप में अफगानिस्तान का पहला शतक लगाया। 129 रन की नाबाद पारी खेली। राशिद खान ने 18 गेंदों में 35 रन बनाए। रहमत शाह ने 44, हशमतुल्लाह शाहिदी ने 26 और उमर जई ने 22 रनों की पारी खेली। वर्ल्ड कप में शतक जड़ने के बाद इब्राहिम जादरान ने सचिन तेंदुलकर को शुक्रिया कहा। प्रैक्टिस के दौरान सीखे थे बल्लेबाजी के गुर। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉश हेजलवुड ने 2 विकेट चटके। मिचेल स्टार्क, मैक्सवेल और एडम जैम्पा को 1-1 विकेट मिला। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन वर्ल्ड कप से बाहर हुए। बाएं हाथ की उंगली में चोट लगी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ इंग्लैंड के खिलाफ टीम का होंगे हिस्सा। चोटिल होने के चलते पिछले 2 मैचों से टीम से बाहर थे रऊफ। वर्ल्ड रैंकिंग में 6 स्थान पर पहुंची भारतीय विमेन हॉकी टीम। नीदरलैंड्स अभी भी टॉप पर बरकरार। फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री का बड़ा बयान, कहा भारत का फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात होगी। जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर ओलिवर कान भारत पहुंचे। FIAIFH अध्यक्ष कल्याण चौबे से मिले।